क्या नाम है आपका? सुशील। कहाँ? यहीं रहो, आसपास ही रहो, आसपास ही रहो कहीं। कानपुर। अच्छा, कानपुर से यहाँ पानी बेचने आ रहे हैं? बच्चे बच्चे कहाँ हैं? सब ठीक ठाक है? बालक नंदे कितने हैं? दो लड़कियाँ भी। लड़का कोई नहीं है? कितनी उम्र होगी आपकी? 56-57 साल। 57 साल की उम्र में बेटा होता तो शायद आज तुम्हारा सहारा होता। सब बेकार की बातें हैं, जिसके हैं उसको कोई एक आधा निकल गया सैनिक। नहीं नहीं, हम किसी के बेटे नहीं है। दुनिया पूरी दुनिया एक जैसी थोड़ी है। किसी के बेटा है ही है, लेकिन जो अपने नसीब में नहीं है तो क्या करूँ। दोनों बेटे की शादी कर दी आपने? शादी कर दी। तो कितने की कमाई होती है चाचा एक दिन में? अरे कमाई तो हो जाती थी, लेकिन अब तो नहीं है। अच्छा, काम हो जाता था, 400-500 रुपये हो जाता था। 400-500 रुपये का हो जाता था। और अब? अब क्या है, अब तो 100 रुपये का भी नहीं होता। और आज दिहाड़ी नहीं बनी तो फिर कैसे चलेगा? डेली खाना कमाना होगा। डेली खाना, डेली कमाना। हाँ जी, डेली खाना कमाना जिंदगी भर रहा। कौन सी यहाँ बैंक बैलेंस है या कौन सी नौकरी चाकरी या बिजनेस है? चलिए, बस कभी कभी निकल जाता हूँ हाल चाल पूछने के लिए। मेरा नाम मुशाहिद खान है। अच्छा जी। कभी कभी आप जैसे भाई का हाल चाल पूछने के लिए चले जाता हूँ, किस हालात में जी रहे हैं जिंदगी। अच्छा है, कम से कम तो है जी। जी, एक तसल्ली ही काफ़ी होती, पूछना ही काफ़ी हो जाता है। दो एक दे दो बस, खड़े हो जाओ यार। पानी पन्नी वन्नी नहीं है तुम्हारी कुछ है? 5 की 3 है। 5 की? अच्छा, 5 की 3 है, लाओ एक और दे दो। सुशील भाई, तो यहाँ अपना अपना मंगाना है किराए पे? कितना किराया देते हो? 1700 रुपये। और 1700 रुपये इसी चीज़ से निकालते हो बस, पानी बेच के? अच्छा, सुबह से अब तक कितने पैसे कमाए हैं बताओ? बस बता दो, एक कट्टा आया। एक कट्टे में कितनी बचत हो जाती है? एक कट्टे में 80-90 रुपये बच जाते हैं। 80-90? लो, मेरे पास तो खुले पैसे भी नहीं है। अरे इसे हम कहाँ तो आते फिर जी? पकड़ तो लो, तोड़ ले आना इसके। नहीं जी, हम करेंगे क्या इसका? किसका कट्टा हो गया, घर ले जाना। कुछ फल वल तो लेके जाओगे बच्चों के लिए? तो नहीं लेके जाओगे? अरे बहुत जब पैसे होंगे तभी तो ले जाएंगे। लो, ये 1000 रुपये आपके हैं। हैं? आप हाथ नहीं जोड़ना, ये 1000 रुपये आपके हैं, हमारी तरफ से, बेटे की तरफ से आपको है, ठीक है ना? ये हमने ले लिया आपसे। राशन वाशन तो है घर में? नहीं है। नहीं, राशन वाशन तो जी अभी है 1-2 दिन का। आपका शुक्र हम कैसे अदा करें? शुक्रिया अदा कैसे करोगे? शुक्रिया अदा तो दुआ से होता है, शुक्रिया अदा ऐसे नहीं होता है। आपने जो कुछ भी समझा, तो एक लड़की मैंने मुजफ्फरनगर भी आई थी जी, जी 20 साल शादी को हो गए, उसका कोई बच्चा नहीं हुआ। उस पार्टी ने उसको छोड़ छाड़ दिया, अब वो लड़की ही यहीं रहती है। अच्छा, बेटी आपके पास रहती है? हमारे पास अलग कमरे में रहती है। अच्छा अच्छा, एक छोटी लड़की है, उसके दो लड़के, एक लड़का है। ये 1000 रुपये हमारी तरफ से आपकी बेटी के लिए, ठीक है? हे प्रभु, आप जैसे अगर महान, आप चाहे जिस रूप में भगवान आए हो या इंसान आए हो, ये इंसान का काम है, भगवान थोड़े आता है, इंसान का काम है। चलो, आप अपना ख्याल रखो, ठीक है? और आप कुछ अपना एड्रेस में कुछ? एड्रेस कुछ नहीं, जैसे ऊपर वाला भेजता है ना किसी को, वो अपने दिलों के हाल जानते हैं अपने बंदों के, ठीक है ना? उसने आपके दिलों के हाल जाना कि मेरा बंदा मेरा कितना परेशान है, तो मुझे भेज दिया आपके पास में। ऐसे कभी मुलाकात होगी? हम तो बस यही कह सकते हैं, ऊपर वाले का करम है जी। आपको पैसे भेजा, आप कैसे मेहरबान हुए। हालांकि हम इनको देख के खुश तो हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे, किस नसीब से, कौन सी करनी हमारी भी ऐसे यहाँ पे आए। चलो, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, ठीक है? आपकी एक ये मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सुशील भाई, ठीक है, धन्यवाद। बस अरे ये आप भगवान आए, भगवान मेरे लिए। सुनो, ये भगवान का काम नहीं है, ये काम इंसान का है, और वो इंसान भूल बैठा।
वो भूल बैठा अपना जो काम है ना वो भूल बैठा, परेशान मत हो, ठीक है ना, बस बस रोना मत, ठीक है, ऊपर वाला सबके साथ। बस आपके लिए दुआ करेंगे, दुआ आप जैसे लोग हो जाए तो ये कष्ट मिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दुआ कीजिएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला आपका। बस मैं तो तहे दिल से दुआ करूंगा, अपने बच्चों को भी बताऊंगा। जी जी, कोई सज्जन हमको मिले थे। धन्यवाद धन्यवाद, बिल्कुल जरा सा झूठ नहीं बोलूंगा, अन्ना ये पैसे दुरुपयोग में खर्चा करूंगा, ये 1000 रुपये जो आपने बड़ी लड़की को दिया उसको ही दूंगा। जी जी, उसको ही बताऊंगा बेटी। बोले ना आपका भाई मिला था और आपके लिए ईद भेजी है, ईद का गिफ्ट भेजा है, ठीक है जी, नमस्कार।